ओके अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये 15 मिनट का चार्ट है, यूएस ऑयल का चार्ट है। अबाउट 45 मिनट्स बैक प्राइस ऊपर जानी शुरू हुई, तो मैंने देखा यहाँ पे प्राइस जो है ना वो ये दो दफ़ा यहाँ टच की थी। उससे पहले भी अगर हम हाई टाइम फ्रेम में जाएँ तो वो नज़र आ जाएगा आपको, जैसे 1 घंटे में नज़र आ जाएगा। तो यहाँ प्राइस एक दो तीन एक एक दो तीन चार दफ़ा टच हुई थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि प्राइस अब ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, तो देन आई बॉट दिस फर्स्ट पोजीशन। देन और ऊपर गया तो यू नो मैंने इसका स्टॉप लॉस जो है वो पहली पोजीशन का एंट्री पे लगा दिया। देन आई ओपन्ड अनदर पोजीशन, और फिर मैं ग्रिड बनाते हुए एक एक और पोजीशन उसमें ऐड करता जा रहा हूँ। तो अब जैसे ये जहाँ मैं डिसाइड करूँगा वहाँ ये ग्रिड को मैं क्लोज़ कर दूँगा, तो फिर जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब मेरा बन जाएगा। और सेफ़ ट्रेड है, बिकॉज़ एक ट्रेड जो है वो उसका एसएल सेट करते हैं, फिर दूसरा ट्रेड खोलते हैं। जब उसका एसएल एंट्री प्राइस पे ले आते हैं पहली ट्रेड का, तो फिर दूसरी ओपन करते हैं आफ्टर प्राइस मूव्स अ फ्यू डॉलर्स। तो इस तरह से यू मेक अ ग्रिड। अब प्राइस अगर रिवर्स होगी तो स्टॉप लॉस सारे हिट हो जाएंगे, तो आई विल नॉट मेक एनी मनी आउट ऑफ इट। बट दैट्स द थिंग ना, कि प्राइस अगर इफ़ इट कीप्स गोइंग इन द डायरेक्शन इट्स गोइंग देन वी मेक गुड मनी, इफ़ इट रिवर्सेज देन आइदर वी मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन आर पोजिशन एंड मेक गुड मनी। थैंक यू।